शैडो पड़ रही है बस। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। दिस इज द मॉर्निंग टाइम और क्या आज है हॉलीडे। धूप ना बहुत अच्छी निकलने लग गई आजकल। और ये देखो, ये ना प्लांट से कितने बड़े हो गए। ये वाला प्लांट तो बिल्कुल छोटा सा था, ये इतना सा प्लांट था और देखो कितना टॉल हो गया है। ऐसे ही इस मौसम में जो होते हैं ना प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और ये तो खैर काफ़ी पहले से ग्रो कर रहा है इसलिए इतना टॉल है। बाकी प्लांट्स भी वहाँ पर इतने टॉल हो गए हैं, बड़े बड़े से प्लांट हो गए हैं। आज हॉलीडे भी है और क्या का अपना गेमिंग टाइम चल रहा है, सो ही इज बिजी देयर और मैं आगे थी अपने काम करने के लिए। और यहाँ पर मुझे अपने कुछ क्लोथ्स को भी ऐसे रब आउट करना था, लिंथ निकालने थे उनके, तो मैंने सोचा चलो पहले ये कर लेती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ माय कुर्ताज, वूलन कुर्ता है और वूलन कपड़ों पे तो बहुत जल्दी लिंट आ जाते हैं, तो ये अभी क्लीन वगैरह कर रही हूँ, इसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। और यहाँ पर कैश भी नहा के आ गया है। ये है आज का नाश्ता, ब्रंच सब एक साथ ही है। आज ब्रेकफास्ट में है जीरे वाले राइस और येलो दाल के साथ चटनी, क्या की फेवरेट है ये वाली येलो दाल। ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और अभी क्या अपना स्टडी करने के लिए बैठ गया है। उसने गेम वगैरह भी प्ले कर लिया तो ही इज़ ऑल सेट टू स्टडी। थोड़ी देर वो अपना स्टडी वगैरह करेगा, अपना रिविजन करेगा। फटाफट से कम्प्लीट करो इसे फोकस करके, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फोकस करके अच्छे से कम्प्लीट करो। ओ उठ जाओ, बोल रही हूँ मत हिलो, आराम, हिले जा रहे हो, हिले जा रहे हो, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे। मुझे पता था गिरोगे, जितना हिल रहे थे ना। हाँ चलो फटाफट से कंप्लीट करो इसे, जल्दी जल्दी फोकस करो ताकि फटाफट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहले अभी इसे कंप्लीट कर लो। I couldn't see you. अब वहाँ ये मास्क पहन के जाओगे क्या अंदर? अच्छा, ये पहन के जाओगे अंदर? नहीं, इसको रख देना। तो हमें जाना है अभी किसी काम से बाहर, नानू और मामू आ गए पिक करने के लिए, तो वी आर गोइंग देयर। नमस्ते जी, आ जाओ पीछे आ जाओ। दादी कहाँ है? नानी वहीं है। नानी कहाँ है? हेलो, आज क्या आयरन मैन है? क्या जब अपने मस्ती के मूड में वो अपना मास्क भी लेकर आया था आयरन मैन वाला, तो ही सेड टुडे ही इज द आयरन मैन। कार में मामू की गॉगल्स पड़ी थी तो ही टुक इट एंड ही इज जस्ट हैप्पी टू वेयर इट एंड ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम। घर आ गए वापस और अभी शाम भी हो गई है और बहुत तेज़ भूख लग रही थी बिकॉज आज लंच भी नहीं हो पाया हमारा, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अभी ये बना ली है इस तरह से मुरमुरे वाली चाट, यू कैन सी, लेकिन आज बनाया है इसको थोड़ा सा फ्राई करके, मुरमुरे को फ्राई करके। यूजुअली मैं प्लेन बनाती हूँ बट आज इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई, और उसके ऊपर डाल दिया धनिया, बहुत ही टेस्टी बना है। कैश को भी यही दिया थोड़ा सा। वही मैंने लिखा है कैच लाइव विद मॉम। वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे गाइस, एक्चुअल में इस पर ये जो आपको लाइन दिख रही है नहीं, पर आप कैमरा में दिख रही है आपको ये लाइन। कौन सी लाइन? ये देखो, ये नहीं नहीं वो लाइन नहीं आ रही है, वो शैडो पड़ रही है बस, वो जो हम लिखते हैं ना तो शैडो आती है, बट वेरी नाइस, थैंक यू। सेव करे? सेव कर दो। इसको सेव कर रहे, यहाँ से फाइल लिया, न्यू लिया। वेरी गुड, आपको सेव करना आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस।
नाउ पुट एनी नेम. विच नेम यू आर गिविंग? सो नाइस. कैश लैपटॉप पे ड्राइंग कर रहा था एंड मीनवाइल उसने एक प्यारा सा कलरफुल कैश लाइफ फॉर द मॉम लिखा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नया ट्राई भी करता रहता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं ले आई थी अपनी एक ओल्ड इनर, ये वॉर्मर है थर्मल वाले इनर, और मुझे यूज़ नहीं करनी अभी, तो मैं सोचा चलो इसको कट कर लेती हूँ. ये बहुत सॉफ्ट क्लोथ होता है और यूज्ड है तो डेफिनेटली ज़्यादा सॉफ्ट है. और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ डस्टिंग वगैरह के लिए, बिकॉज उससे क्या होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इससे लैपटॉप वगैरह या कोई ऐसे आपको सर्फेसेस क्लीन करने लाइक मिरर्स तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है. जैसे हम माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करते हैं उसी तरह से यूज़ हो जाता है, बिकॉज बहुत सॉफ्ट होता है तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है. जैसे जो डेलिकेट सर्फेसेस होते हैं लाइक जैसे हमारा टेबल टॉप हो गया ग्लास का, या मिरर्स, लैपटॉप्स, इस तरह की कोई भी डिवाइसेस, आपको गैजेट्स क्लीन करने, टीवी क्लीन करना है, तो इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है. और जो मार्क्स होते हैं ना क्लीनिंग क्लोथ के वो भी नहीं पड़ते हैं. तो मैंने इस तरह से इसकी स्लीव्स और जो मिडिल पोर्शन था वो क्लीन कट कर लिया था. और इसको कट करके मैं ओपन कर दूंगी साइड्स भी इसकी, और इसको ना अलग अलग तरह से यूज़ कर लेंगे. कुछ छोटे पीसेस बन जाएंगे, कुछ बड़े पीसेस बन जाएंगे लाइक दिस. जिन सर्फेसेस पे हम हार्श क्लोथ या कॉटन का क्लोथ सिंपल यूज़ नहीं कर सकते उनके लिए मैं इस तरह के क्लोथ्स ही रखती हूँ. या तो माइक्रोफाइबर क्लोथ हो जाता है या दूसरा के जो प्लेन सॉफ्ट डस्टर्स आते हैं वो यूज़ कर लेते हैं. बट जब ये मेरे पास वेस्ट ही था, मेरे को यूज़ भी नहीं करना था, तो आई थॉट कि ये भी इसी तरह से यूज़ हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने कट कर लिया. तो एक तरह से इसका रीयूज़ भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा. ऑल दो मुझे इस सीजर्स से कट करने में काफ़ी टाइम लग गया था, पुरानी सीजर्स हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा था कट करने में, बहुत शार्प नहीं है. तो देखो पीसेस में कट हो गया ना, अब ये बहुत काम आ जाएगा. मैंने इस तरह से अलग अलग पीसेस करके रख दिए हैं छोटे बड़े, और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ हो जाएंगे. तो एक वेस्ट वार्मर से मेरे कितने सारे डस्टिंग क्लोथ बन के रेडी हो गए हैं. और ये है आज का डिनर, बाजरे की रोटी है, शलगम की सब्जी, और मैंने शलगम में डाल दिया धनिया. बहुत ही टेस्टी लगता है धनिया किसी भी चीज़ में डाल दो. तो डिनर हो गया है कंप्लीट, और भी क्याश भी अपना डिनर करके फ्री हो गया है. ही इज़ वॉचिंग टीवी और थोड़ा सा बेसिकली अपना गेम्स प्ले भी कर रहा है. तो जब तक वो अपना टाइम लेगा तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी. मैंने ना बेडशीट चेंज कर दी थी ऑलरेडी, बिकॉज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सबसे पहले बेडशीट ही बीच में चेंज कर दी थी. जब बेडशीट चेंज होती है तो सारी बेडिंग साथ में ही चेंज हो जाती है, उसके पिलो कवर्स मैंने लगा दिए. और मैंने ना जो क्विल्ट है मेरी वो मैंने निकाल दी है, मतलब हटा दी है, यूज़ नहीं करूँगी अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया है. रात को मेरी फाइबर की क्विल्ट है और बहुत गर्मी लगती है उसमें, काफ़ी अच्छी सी वॉर्म हो जाती है वो, तो मैंने अब चेंज कर दिया. और मैंने अपना कम्फर्टर निकाल दिया, बट अभी स्टिल थोड़ी बहुत ठंड है, तो मैं कम्फर्टर पर यूज़ कर रही हूँ ये वूलन कवर्स जो मैं विंटर्स के लिए यूज़ करती हूँ क्विल्ट पे. तो मैंने अभी यही लगा दिया इस पर और मेरी बेडिंग हो गई डन. अभी ये लाइट विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. एक महीना और मैं इस तरह की बेडशीट्स यूज़ करूँगी, फिर कॉटन बेडशीट पर स्विच करेंगे वापस, तो भी बेडिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है. बेड नीट एंड क्लीन हो जाता है ना तो मुझे बहुत आराम से नींद आती है, और बेसिकली मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरा बेड बिल्कुल क्लीन होता है. तो वैसे भी मैं एक हफ्ते में बेडशीट क्लीन कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, और अगर बीच में गंदी हो जाए तो बीच में भी चेंज कर देती हूँ. तो बस अभी मुझे ना चेंज भी करनी थी आज, तो मैंने अभी कर लिया है, रात को ही कर लिया है बेडशीट चेंज. रात को ही बेडशीट इसलिए निकाल दी क्योंकि सुबह के लॉट में ही ये वॉश हो जाएगी, और क्याश का सुबह स्कूल भी है तो मुझे वो सब भी देखना है. तो अभी क्याश अपना थोड़ा सा मी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा अभी वो स्टिल ही इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज. तो मैंने सोचा चलो बुक रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी देर. काफ़ी दिनों से ना मुझे बुक रीडिंग का टाइम भी नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम जस्ट रीडिंग बुक. और बुक रीडिंग कर ली थी मैंने, और अभी मैं मेजर कर रही हूँ अपना बीपी. एक्चुअली काफ़ी दिन से ना मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, मोस्टली हाई रह रहा है आई थिंक लास्ट 1 month से. तो मैं बीच बीच में मेजर करती रहती हूँ. तो अभी क्याश भी अपना थोड़ा सा रीडिंग कर रहा था, रिविजन कर रहा है क्याश अभी. तो जब तक क्याश रिविजन कर रहा था तब तक आई थॉट कि मैं अपना भी थोड़ा थोड़ा काम साथ में कर लूँगी. तो मैंने अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, जो थैंकफुली अभी थोड़ा सा डाउन आया है. क्याश का भी सारा कुछ करा दिया था, सारे काम करा दिए थे, और अभी मुझे क्याश की कल की प्रिपरेशन करनी है स्कूल की. उसकी कल क्याश का स्कूल है, तो बस अभी वो सारी प्रिपरेशंस करके रख दूंगी, उसकी यूनिफॉर्म, बैग सेट वगैरह. एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बैग सेट ऐसा तो कुछ जाता नहीं है, बट हाँ जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे रफ नोटबुक वगैरह साथ जाती है तो वो सब अभी अरेंज करके रख दूंगी. मैंने लास्ट 3-4 days से कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था. आई थॉट कि मैं 2 दिन में ब्लॉग पोस्ट कर दूंगी, बट नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई मैं कुछ नहीं कर पाई.
बिकॉज एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है और वो सब नहीं अरेंज हो रहा था टाइम, दैट्स वाई. बट यहाँ आज टाइम मिल गया तो आई एम पोस्टिंग दिस व्लॉग. आई होप यू विल सी इट. बीच बीच में ऐसा हो जाता है जब मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, और क्या आज का मैंने सुला दिया था बिकॉज उसका नेक्स्ट डे स्कूल है. तो ये था आज का व्लॉग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक द वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड नाइट. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय गाइज.